नमस्कार, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। तो गाइस, मैं आज फिर से जल्दी से उठ के फ्रेश हो गई हूँ, क्योंकि हम लोग आज टेंपल जा रहे हैं। मैं सोची थी वो वाला पूनम का ही पहला सोमवार था, मगर वो वाला पहला सोमवार नहीं था, आज ही के दिन पहला सोमवार है सावन का। तो चलो, आप लोगों को एक मैं इतनी अच्छी टेंपल घुमा के लेके आऊँगी। मंदिर, इतनी अच्छी मंदिर है विष्णु भगवान की। आप लोग सोचेंगे अरे ये कहाँ पर चले गए बोल के। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे तो आप लोग को पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सी मंदिर को जा रहे हैं। तो चलो गाइस, अभी लेट हो रहा है, अपन निकलते हैं। तो गाइस, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, मैं, हमारे पति देव जी और नोबिता भी चल रहा है हमारे साथ, कार्तिक फिर से, राहुल और गौतम घर पे थे। नोबिता, नोबो, ए गुड़िया, उसको गुस्सा चढ़ रही है, वो सामने कुछ सता रहा है तो उसे पीछे भेज दी मैं, तो उसे गुस्सा चढ़ रही है। तो चलो फिलहाल अभी अपन चलते हैं, वहाँ जाने के बाद में आप लोग को पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, तो चलो फिलहाल। देख रहे हो ना मेरे पीछे में बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ जी के मंदिर पहुंच गए। अरे आप लोग समझ रहे होंगे इतना जल्दी घर से निकलते कि आप लोग बद्रीनाथ जी के टेम्पल पहुंच गए। तो हाँ गाइस, सच में हम लोग बद्रीनाथ जी के टेम्पल में ही थे। तो अब वो वाला उत्तराखंड वाला बद्रीनाथ जी नहीं, अपना तेलंगाना वाला बद्रीनाथ जी टेम्पल हो। तो गाइस, मेडिचल में भी बद्रीनाथ जी एकदम सेम टू सेम बद्रीनाथ जी का टेम्पल बना है, और बद्रीनाथ से ही जोत, वहाँ से ही बाई रोड जोत लेके यहाँ पर लेके आके, मतलब वहीं से कंटिन्यू समझो, वहाँ से जो बाहर के लाए तो वो अभी भी जोत यहीं पर ही जल रही है। तो देख रहे हो ना मेरे पीछे में क्या मस्त टेम्पल है गाइस। देखो बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए आप भी, आज पहला सोमवार है और मैं भी दर्शन कर लेती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देख रहे हो ना कितने मस्त टेम्पल है, अभी ओपन भी नहीं हुएगा, टाइमिंग 8 बजे, हम लोग जल्दी आ गए। और देखो सारे लोग मंदिर खुलने का ही वेट कर रहे हैं, जैसा मंदिर खुलेगा हम लोग दर्शन कर लेंगे। अब मतलब अपनों का भी सौभाग्य कि हम लोग बद्रीनाथ नहीं जा सकेंगे तो अपन यहीं पर ही दर्शन कर लेंगे, जब जाएंगे। मगर फिलहाल तो अपन अपने तेलंगाना में बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे, देख रहे हो ना। तो चलो, सावन का महीना भी चल रहा है तो आप लोग भी जल्दी से आइए मंदिर, बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लीजिए। चलो अपन मंदिर खुलने का वेट करते हैं, मंदिर खुलने के बाद अपन लोग भी दर्शन करते हैं। कार्तिक हमारे देवर जी नो भी है, और नोबिता को भी हमारे पति देव जी लिए। तो गाइस, मैं तो आपको एक बात बताना तो भूल ही गई, मैं ये वाला वीडियो पति देव जी के आईफोन से बना रही हूँ। देखो कितनी मस्त क्लियरिटी है ना गाइस, आईफोन ही होता है। चलो अपन भी कभी ना कभी तो ले लेंगे, नहीं कोई बात नहीं, हमारे पति देव जी मुझे ही दिला दो बोले तो मुझे ये वाला 13 पसंद नहीं आया है, मुझे 14 प्रो मैक्स पसंद आया है, तो इसीलिए मैं अभी नहीं ली हूँ, बाद में लेंगे वो वाला लेंगे अपन। 14 प्रो मैक्स से वीडियोस बनाएंगे, वो भी जल्द से जल्द लेंगे, देखेंगे, कोशिश करेंगे। तो देख रहे हो ना आईफोन की क्लियरिटी, आईफोन है गाइस ये आईफोन। चलो बस एक 10 मिनट बचा है, 10 मिनट के बाद मंदिर खुलेगी, अपन दर्शन कर लेंगे। तो चलो फिलहाल अभी एक 10 मिनट वेट करते हैं। तो गाइस देखो, इधर नोबिता भी आ गए हैं, हमारे पति देव जी भी आ गए। चलो बद्रीनाथ धाम तो पहुंच गए ना फाइनली, वहाँ तो नहीं जा पाए, जा ही नहीं पा रहे गाइस, मतलब हमें भगवान जी कब बुलाएंगे पता नहीं, या केदारनाथ नहीं जा रहे हम लोग, बद्रीनाथ जी नहीं जा रहे, अमरनाथ भी आप लोग देखे, अमरनाथ भी हम लोग गए थे लास्ट ईयर, मगर हमारा वो भी जा नहीं पाए हम लोग वहाँ भी। चलो
कभी ना कभी तो शिव जी हमें भी बुला लेंगे, तो हम लोग तभी जाके दर्शन कर लेंगे। जब तक तो अपने ये वाले बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लेंगे। नहीं नोबिता, चलो यहाँ का तो बुलावा आ गया यहाँ का आ गया, मतलब वहाँ का भी आ जाएगा। नोबू इधर देखो, नोबू इसे ठंडी हवा लग रही है, ये देख रहा है। वो मार्ग में ना परेशान हो रहा है, नई जगह देख के। नोबू नोबिता, ए गुड़िया इधर, ए गुड़िया, ठंडी हवा नोबिता। ए नोबिता गाइस देखो, कैमरे में तो देख रहा है नहीं, बस इधर उधर ही देख रहा है ये बंदा। चलो बस पंडित जी भी आ गए हैं, मंदिर भी खुल गई है। चलो हाँ, टाइमिंग 8 बजे से है ना, 8 बजे से। हाँ 8 बजे से। चलो अपन अभी फिलहाल अंदर चलते हैं। नोबिता की मस्ती चालू है, छोटी सी लड़की से खेल तुम बोल। नोबू अले मेला बच्चा, ओहो गुड़िया क्या हुआ गुड़िया, चलो हो गए दर्शन। नहीं मैं लेता हूँ उसको अभी, रुको। तो गाइस आप लोग देख लिए ना, आप लोगों के भी दर्शन हो गए और मेरे भी दर्शन हो गए, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मतलब वो वाले बद्रीनाथ तो हम लोग जा नहीं पा रहे, मगर ये वाले बद्रीनाथ जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेन खाटू श्याम जी के भी दर्शन हो गए गाइस, मुझे बहुत दिन से मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर दर्शन करने जाना था, वो नहीं हो रहा था, चलो यहाँ पर कर लिए। और गाइस वहाँ पर भी ज़रूर जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मन कर रहा है गाइस खाटू श्याम जी के जाके दर्शन करने के लिए। तो खाटू श्याम जी आप हमें बुलावा भेज दीजिए, क्योंकि हाँ ताकि हम लोग आके आपके दर्शन कर पाए, मगर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और आज ही इतने ज़्यादा लोग है गाइस, सैटरडे संडे और मंडे 3 दिन ही बहुत ज़्यादा लोग रहते, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है और वीकेंड भी रहता है, ये 3 दिन बहुत ज़्यादा लोग है। तो आज इसलिए आप लोगों को ज़्यादा लोग दिख रहे, नहीं तो नॉर्मल टाइम पे खाली रहेगा, बस सैटरडे संडे मंडे 3 दिन। तो दर्शन तो हो गया, चलो हमारे देवर जी उनसे भी पूछते हैं इन लोग को कैसा लगा दर्शन करके। पतिदेव जी कैसा लगा दर्शन करके, अच्छा लगा ना। और चलो इधर हमारे देवर जी उनसे भी पूछते हैं कैसा लगा बद्रीनाथ धाम। बहुत अच्छा लग रहा है, वही रियल वाले बद्री, मतलब रियल तो है, सेम टू सेम है ना, एकदम सुकून की जिंदगी दिख रही है यहाँ पर खेतों में। इधर आ गए हम लोग, देख रहे हो ना गाइस, हर कोई एक ही बात बोल रहे हैं, मतलब हम वो वाले बद्री धाम तो नहीं जा पाए, मगर ये वाले बद्री धाम तो आके दर्शन कर लिए। और गाइस इतनी शांति है ना यहाँ, इतना सुकून, इतनी शांति है ना, पूरी ग्रीनरी हर तरफ। देखो आप लोग हर तरफ ग्रीनरी आपको जहाँ भी देखेंगे सारी ग्रीनरी, सारे खेत है गाइस, सारे खेतों के बीच में मंदिर है बद्रीनाथ जी। तो जल्दी से गाइस पास में ही चे, अपने खुश नसीबे अपने तेलंगाना में हैदराबाद में बद्रीनाथ जी की टेम्पल बनाए गए, और जल्दी से आओ
आप लोग जल्दी से आके दर्शन कीजिए। सैटरडे संडे मंडे तीन दिन बहुत सारे, मतलब उतनी ज़्यादा भी रेस नहीं है, बस आपको 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएंगे। हाँ अभी नया है बोल के अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे गाइस, अभी थोड़े दिन जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, तो आप लोग जल्दी से आओ, जल्दी से आके दर्शन कर लो। एकदम सुकून दिख रहा है गाइस, मुझे तो बहुत सुकून दिख रहा है। ऐसे ही भोले बाबा आप भी हमें बुला लीजिए तो हम लोग आके आपके भी दर्शन कर लेंगे। तो चलो, नोबिता बहुत ज़्यादा सता रहा है, उसे भूख लग रही, पता नहीं, देखो टॉयलेट कर दिया, देखो कार में बंदा ये वो साफ कर रहे हैं। अब तो चलो अभी अपन निकलते। नोबो क्या है नोबो, वो ए गुड़िया देखो सुबह वो भी मेरे साथ उठ के मस्त, वो भी फ्रेश होके टी शर्ट वगैरह पहन के रेडी हो गया, उसे पता चल रहा है अब कपड़े पहना है तो इसे बाहर लेके चलते हैं बोल के। अब देखो हम लोग आए जब उतनी सारी कार्स भी नहीं थी, अब कितनी सारी कार आए। तो ऐसे देखो हम लोग यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह गरम गरम पूरी और सब्जी, पूरी सब्जी का नाश्ता कर रहे हैं। इधर देखो, इधर शुरू कार्तिक वेटिंग, हमारे पति देव जी भी शुरू नोबिता के लिए इडली, हमारे लिए पूरी। चलो जल्दी जल्दी खाते हैं फिर घर निकलते हैं।